कराची में बारिश का नया स्पेल, कोरंगी, मलीर और लांडी में तेज, सदर क्लिफ्टन, एमजिना रोड और आईआई चंडीगढ़ रोड पर हल्की बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं का राज। ठट्टा और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है ये सिस्टम काफी ज्यादा फाल और ताकतवर है। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जंगे सितंबर में एक पाक फजाइया के अजीम कारनामे। मुल्क में आज यौम फजाइया मनाया जा रहा है। सरगोधा की फजा आज भी एमएम आलम के मार्के की गवाह है, जिन्होंने एक मिनट में पांच तैयारे गिराकर दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद की कब्र पर सलामी, फूलों की चादर रखी गई। DGISI का दौरा काबुल तामीरी था, कामयाब रहा। फैज हमीद के दौरे का मकसद किसी की तजलील नहीं था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जब तक TTP है दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। यौम दिफा की तकरीब से खिताब में कहा किसी ग्रोह को भी हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आज़्म। अम पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। खित्ते की तरक्की का रास्ता मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल में है। दुआगो हैं अफगान अवाम, नए दौर का आगाज करें। अफगानिस्तान में अम पाकिस्तान का अम्र है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का GHQ में यौम दिफा शहदा की तकरीब से खिताब, कहा आज़ादी के जज्बे को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी, मजीद 98 मरीज जान की बाजी हार गए। मजमू अमवात 26,330 हो गई। 3,316 नए केसेज रिपोर्ट, शरह 6.33% रही। कराची में वबा से 26 अमवात। कराची में तलबा को कोरोना वैक्सीन के बगैर कॉलेज में दाखिल नहीं दिया जाएगा। तलबा वैक्सीनेशन के बगैर तहरीरी और अमली इम्तिहानात भी नहीं दे सकेंगे। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस का हुक्म। NCOC की सोशल मीडिया पर तालीमी इदारे 30 सितंबर तक बंद रखने की खबरों की तर्दीद, ट्वीट में कहा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।